नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे टैग की नई स्मार्ट वॉच टैग वर्ब नियो। तो दोस्तों, टैग ने अपनी काफ़ी सारी स्मार्ट वॉचेज लॉन्च कर रखी है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे आपको मिल जाएगी। और इनकी सारी जो स्मार्ट वॉचेज है उनका प्राइस काफ़ी कम होता है, मतलब 2-3 हज़ार के आसपास ही मिल जाती है। और इसका भी लॉन्च प्राइस काफ़ी अच्छा था, 1500 में हमने ये परचेज करी है अमेजोन से। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं कैसी ये वॉच है, क्या इसमें खास है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रुको जरा, सबर करो। तो दोस्तों, ऐसा कुछ बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ डिजाइन है इस वॉच का। और इसमें दोस्तों आपको 1.69 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 25 स्पोर्ट्स मोड एंड लाइट वेट ये वॉच है, ऐसा कुछ डिजाइन है इस वॉच का। बैक साइड अगर हम देखें तो इसके काफी सारे हाईलाइटेड फीचर दे रखे हैं, और ये सारे कॉमन फीचर है जो कि हर एक स्मार्ट वॉच में होते ही है। प्राइसिंग अगर देखें तो बॉक्स में प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा दे रखी, 4000, बट ये लॉन्च प्राइस में हमने अमेजोन से परचेज करी थी 1500 में। और ये दोस्तों ग्रीन कलर है, तो चलिए बॉक्स ओपन कर लेते हैं अभी। तो दोस्तों, बॉक्स की जो पैकेजिंग है वो काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म की दे रखी है, देख सकते हो आप। इस प्राइसिंग में जो वॉचेस मिलती है उनकी जो पैकेजिंग होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है मोस्टली, बट इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे वॉच को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये स्ट्रैप है, ग्रीन एंड गोल्डन कलर में दे रखा है, स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दे रखी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे दोस्तों हमारी ये स्मार्ट वॉच, तो इसको रख देते हैं थोड़ा साइड में, बाद में चेक करेंगे इसको। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाती है वॉच को चार्ज करने के लिए। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, क्विक स्टार्ट गाइड, यूज़र मैनुअल और स्टिकर्स वगैरह। एंड यहाँ पे दोस्तों ये जो स्टिकर लगा है इसे उतार देते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको इस वॉच का मैं फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो बकल देख सकते हो आप, ये जो गोल्डन कलर में, ये मेटालिक है, प्लास्टिक का नहीं है। एंड ऐसा कुछ इसका स्ट्रैप है, स्ट्रैप की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। एंड यहाँ पे ये फ्रेम देख सकते हो आप, ये गोल्डन कलर में है, बट ये काफ़ी सारे डिफरेंट कलर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 2.5 फैब्रिक कर ग्लास देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एक बटन दे रखा है। बैक साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेंसर दे रखे हैं, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स दे रखे हैं, एंड ये दूसरी साइड का स्ट्रैप है। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी जो है ना इस वॉच की, वो प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी दे रखी है। 1500 में मैंने ये वॉच परचेज करी है, एंड 1500 के हिसाब से जो इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो चलिए दोस्तों, अभी इस वॉच को भी हम ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों, वॉच अभी हमारी ऑन हो चुकी है, तो चलिए इसे फ़ोन से भी हम पेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों, फ़ोन से पेयर करने के लिए आपने ये ऐप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करनी है, टैग नियो। तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये वॉच हमारे स्मार्टफोन से पेयर हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए वर्ब नियो कनेक्टेड शो कर रहा है। तो चलिए पहले इस वॉच का यूआई चेक कर लेते हैं, कैसा इसका यूआई है, उसके बाद हम इस मोबाइल ऐप को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप इस साइड स्लाइड करते हो तो यहाँ पे देखिए स्टेप्स की इन्फॉर्मेशन, किलोमीटर्स कितने चले हो आप, कैलोरीज, हार्ट रेट देख सकते हो आप यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप हार्ट रेट चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखें तो स्लीप मॉनिटरिंग का डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वेदर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पे फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। एंड ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप स्लाइड करते हो तो यहाँ पे देखिए डेट आ रही है, डे आ रहा है, बैटरी दिखा रहा है कि 47% बैटरी चार्ज है इस वॉच की। यहाँ पे वेदर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो टॉर्च का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन दे रखा है ये देखिए। एंड इसके बाद यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब आप इनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पे फाइंड फोन का ऑप्शन दे रखा है ये देखिए। एंड इसके बाद यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन दे रखा है। एंड यहाँ पे क्यूआर कोड दे रखा है ऐप इंस्टॉल करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड यहाँ पे देखिए तो मेन्यू आ जाता है। एंड नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप स्लाइड करते हो तो यहाँ पे मेन मेन्यू आपको मिल जाता है सारा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, तो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड इसमें दे रखे हैं वॉच में ये देखिए। एंड इसके बाद यहाँ पे वॉच फेसेस का ऑप्शन है, तो काफ़ी सारे वॉच फेसेस इसमें आपको मिल जाते हैं। एंड आप ऐप के थ्रू भी काफ़ी सारे वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो। तो चलिए एक चेंज ही कर देते हैं, ये वाला रख देते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सारे मिल जाएंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, फाइंड फोन का ऑप्शन यहाँ पे दोबारा से दे रखा है, यहाँ पे ब्रीदिंग की एक्सरसाइज का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे आपको SPO2 चेक कर सकते हो आप ये देखिए, स्टॉप वॉच का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन लास्ट में दे रखा है, तो फर्स्ट में आपको ब्राइटनेस वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम आप सेट कर सकते हो, मैक्सिमम 20 सेकंड्स तक है। इसके बाद यहाँ पे QR कोड मिल जाता है आपको, पावर ऑफ का फीचर दे रखा है, रीसेट अबाउट।
तो ये सारे ऑप्शन आपको इस वॉच में मिल जाते हैं। ऐसा कुछ इस वॉच का यूआई है। तो यूआई जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ तो नहीं है, बट प्राइसिंग के हिसाब से मैं इसे कह सकता हूँ कि ठीक ठाक है। ज़्यादा मैं अच्छा भी नहीं कह सकता, बुरा भी नहीं कह सकता, बिकॉज वॉच हमने सिर्फ 1500 में परचेज़ करी है, तो 1500 के हिसाब से ठीक है, बट इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा लैगी है, काफ़ी ज़्यादा लैग दे रहा है, और बिल्कुल जो टिपिकल चाइनीज स्मार्ट वॉचेस होती हैं बिल्कुल वैसा ही इसका यूआई है। तो ऐसा कुछ वॉच का यूआई था। तो चलिए अभी हम मोबाइल ऐप को भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल ऐप में अगर हम देखें तो फर्स्ट में यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे जितने भी आपने स्टेप्स वगैरह चले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कैलोरीज कितनी बर्न करी है, डिस्टेंस कितना आप चले हो, यहाँ से आपने जो वर्कआउट करा है उसमें कितना टाइम लगाया था आपने, कितनी कैलोरीज बर्न करी थी। यहाँ पे हार्ट रेट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, स्लीप मॉनिटरिंग का डाटा मिल जाएगा, SPO2 आपका कैसा था उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इसके बाद यहाँ पे वर्कआउट का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ से आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो भी आपने एक्टिविटी करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो अपना वर्कआउट, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे इसको हम स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिवाइस का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे आप वॉच के काफ़ी सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। जैसे देखिए वॉच कनेक्टेड शो कर रही है, यहाँ से आपने परमिशन जो है वो ऑन कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों वॉच फेसेस का ऑप्शन मिल जाता है, तो काफ़ी सारे वॉच फेसेस इस वॉच में आपको मिल जाते हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप कॉल रिमाइंडर को ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। ऐप के आप अलर्ट्स यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, अनेबल कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, जीमेल वगैरह के। इसके बाद यहाँ पे देखिए तो आप अलार्म सेट कर सकते हो यहाँ से, एंड सेडेंट्री अलार्म आप सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे गोल वगैरह आप यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए ऑन या ऑफ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन दे रखा है, इसमें आप अपना म्यूज़िक कंट्रोल वाला जो भी म्यूज़िक प्लेयर है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप ड्रिंकिंग रिमाइंडर अनेबल कर सकते हो। इसके बाद टाइम फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हो, 24 आवर या 12 आवर वाला अगर आपने रखना है। फाइंड वॉच का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, अगर आपकी वॉच नहीं मिल रही हो तो इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए, इसके बाद यहाँ पे देखें तो डू नॉट डिस्टर्ब आप यहाँ से अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। रेज हैंड टू एक्टिवेट, मतलब कि आप हाथ ऊपर करने पर डिस्प्ले आ जाना चाहिए, वो वाला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। कैमरे का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड यहाँ से आप वॉच को अपडेट कर सकते हो अगर कोई अपडेट आई है। वैसे लेटेस्ट ही वर्जन है, ये देखिए। एंड इसके बाद यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल वगैरह भी सेट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको इस मोबाइल ऐप में मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी वॉच आपको पहन के दिखाता हूँ, तो ये वाली वॉच अभी उतार देते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ लुक आपको मिलेगा जब आप इस वॉच को वेयर करते हो। तो देखने में तो काफ़ी गुड लुकिंग लग रही है, बट ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, बिकॉज इसमें जो है फ्रेम जो है वो प्लास्टिक का या मेटालिक फ्रेम नहीं मिलता है, तो काफ़ी लाइट वेट लग रही है, बट देखने में तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छी लग रही है हाथ में। तो चलिए अभी हार्ट रेट चेक कर लेते हैं इसमें कैसा आता है, कैसी रीडिंग आती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो हार्ट रेट है ये वॉच दिखा रही है 90 के आसपास, और एक काफ़ी हद तक मुझे एक्यूरेट लग रहा है, बिकॉज मेरा जो हार्ट रेट है मोस्टली 90 के आसपास ही रहता है, तो हार्ट रेट वाला फीचर मुझे ठीक लग रहा है, फेक नहीं है। तो चलिए अभी SPO2 लेवल भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा SPO2 लेवल ये वॉच दिखा रही है 97%। तो इसकी जो रीडिंग्स है ना वो मुझे काफ़ी हद तक एक्यूरेट लग रही है, काफ़ी अच्छे से इसके सेंसर जो है वो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारे वॉच फेसेस इस वॉच में आप चेंज कर सकते हो, तो चलिए एक वॉच फेस अपडेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम ये वाला वॉच फेस सेट कर देते हैं अभी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये वॉच फेस सेट हो गया है वॉच में, और डिस्प्ले काफ़ी ठीक ठाक लग रही है इस प्राइसिंग में। ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, बट कलर जितने ज़्यादा रिच नहीं है, थोड़े थोड़े फीके कलर आ रहे हैं, बट डिस्प्ले मुझे ठीक ठाक लग रही है ओवरऑल इस प्राइसिंग में, एंड शार्पनेस भी इसकी ठीक है। तो चलिए एक कस्टमाइज वॉच फेस भी सेट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक कस्टमाइज वॉच फेस सेट किया है। तो दोस्तों जो डिस्प्ले के कलर्स है ना वो थोड़े कम लग रहे हैं मेरे को, ज़्यादा रिचनेस नहीं है कलर में, ज़्यादा सैचुरेशन नहीं है, कलर थोड़े फीके फीके आ रहे हैं, बट ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी ठीक ठाक है, इतनी बुरी भी नहीं है, बट ब्राइटनेस डिस्प्ले की काफ़ी अच्छी है। तो ऐसा आप इसमें वॉच फेस वगैरह अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसा कुछ कॉल नोटिफिकेशन आपको इस वॉच में देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आप कॉल को साइलेंट नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप कॉल को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको अपना फाइनल ओपिनियन बताता हूँ इस वॉच के बारे में। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो कमी मुझे इस वॉच में लगी वो यही थी कि इसमें जो फ्रेम दे रखा है ना ये प्लास्टिक फ्रेम है, मेटालिक फ्रेम इसमें नहीं मिलता है,
इस वजह से वॉच काफ़ी लाइट वेट है और लो क्वालिटी की फीलिंग आती है। प्लस जो इसका जो यूआई है ना वो काफ़ी ज़्यादा लैगी है, देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा लैग देता है। प्लस ये एकदम ही जो लो क्वालिटी की चाइनीज स्मार्ट वॉचेस होती है वैसा यूआई इसमें दे रखा है। बट ये दोस्तों हमने परचेज़ करी थी 1500 की प्राइसिंग में, तो इस प्राइस को ध्यान में रखते हुए मैं ज़्यादा कमियाँ इस वॉच में नहीं निकाल सकता, बिकॉज इस प्राइस में बहुत कम स्मार्ट वॉचेज़ ही अवेलेबल है। बट फिर भी मैं कंसिडर करता हूँ इस वॉच को, अगर इसका प्राइस जो है वो 1600-1700 तक रहता है मैक्सिमम, अगर इसका प्राइस 1700 भी रहता है तो भी आप इस वॉच को परचेज़ कर सकते हो। बट इससे ऊपर की प्राइसिंग में आपको काफ़ी सारी अच्छी अच्छी स्मार्ट वॉचेज़ मिल जाएंगी, इससे बेटर ऑप्शन। बट इसको मैं कंसिडर करूँगा ओनली मतलब 1700 तक कम की प्राइसिंग में। तो दोस्तों डेफिनेटली आप इस वॉच को परचेज़ कर सकते हो अगर इसका प्राइस 1700 से कम रहता है तो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो देख के थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि वॉच आपको परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एंड दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।